हेलो बच्चों, कम समय में ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए, लेट्स रीड द सम। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर जुलाई 2018। हमें टू कॉलम कैश बुक बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक का। देखिए, रिसीट्स पेमेंट साइड ऐसे आप प्रॉपर लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, हमें यहाँ पे नाम नहीं पता है तो बस यहाँ पे हम ऐसे डैश कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन बाय वन क्या है ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें क्या करना है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक बुक। तो यहाँ पे हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट ही होता है, हमने देखा है। बैंक का बैलेंस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू अज्यूम दिस इज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17,500 and 5,000। What is the date? 2018 July 1st. All right. आगे purchase goods for cash 3,000 rupees. अगर हमने purchases किए तो cash business में आया या गया? Cash business से बाहर गया, मतलब payment side. तो मुझे ये तो पक्का पता है that ये payment side पे आने वाला है। ठीक है, और entry क्या आएगी purchases की? Purchases account debit to cash 3000। तो पेमेंट साइड पे चलते हैं और कैश कॉलम में हमें लिखना है 3000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश परचेजेस मेड या ओनली परचेजेस मेड इज ऑल्सो ऑल राइट। परचेजेस मेड, व्हाट इज द डेट? 2018 जुलाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण। अभी देखिए, ये चेक के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अ बेरर चेक। ठीक है, अगर अलग से नहीं कुछ भी दिया हुआ, वी हैव टू अज्यूम इट इज अ बेरर चेक। और हमने देखा हुआ है बेरर चेक क्या होता है, इट इज एज गुड एज कैश। तो यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण रहता था तो हम क्या करते थे, कैश का बैलेंस बढ़ता था, राइट। एंट्री क्या होती थी रिसीट साइड पे, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण 10,000 रुपीज, राइट। तो मैं रिसीट साइड पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं कैश कॉलम में, यहाँ पे देखो कैश कॉलम में मुझे 10,000 लिखना है। बी वेरी वेरी केयरफुल, इवन दो दिस इज अ चेक, आई हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ बेरर चेक, और बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। तो मैंने जब मिला मुझे तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, नरेशन बीइंग बेरर चेक रिसीव। फिफ्थ, अंडरस्टूड? ओके, आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं और हमें कैश मिला है, तो ये एंट्री कहाँ पे दिखेगी? कैश मिला तो रिसीट साइड पे दिखेगी, राइट। तो कैश कॉलम में रिसीट साइड पे 8,000 रुपीज मुझे दिखना है, कैश कॉलम में 8,000 रुपीज ऑन द रिसीट साइड। ये मुझे क्यों मिला? बिकॉज मैंने कैश में सेल्स किया, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सेल्स मेड या बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट, अरुण्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जो बेरर चेक पहले मिला था वो कितने का था? 10,000 रुपीज का। तो ये जो 10,000 रुपीज का चेक है वो अभी हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ कैश दैट वी आर डिपॉजिटिंग बिकॉज इट इज अ बेरर चेक। ओके, तो एंट्री क्या आएगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इजंट इट? सो बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से बाहर गया।
कैश का बैलेंस कम करना है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो दिस बिकम्स आर कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों भी अफेक्ट होते हैं और ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं, तो दिस इज आर कॉन्ट्रा एंट्री। तो वन बाय वन हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है। तो हियर आई एम गोइंग इन बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट 10,000 रुपीज। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ा, कैश के वजह से। सो टू कैश अकाउंट नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिटेड। यहां पे सी लिखेंगे फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, देखो टू कैश है, सो कैश कॉलम में क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पे मुझे लिखना है, पेमेंट साइड कैश कॉलम 10,000। नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंश्योर दैट आप प्रॉपर कॉलम में अमाउंट्स लिख रहे हो। 10,000 लिखा, ये कहां से आया, बैंक के वजह से, तो बाय बैंक अकाउंट सी बीइंग कैश डिपॉजिट बीइंग चेक डिपॉजिटेड। बहुत अच्छी से समझ गया कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे लिटिल ट्रिकी होता है बच्चों, बट इफ यू डू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या आगे, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, कितना अमाउंट है 20,000। पेमेंट कहां से हुआ, चेक से हुआ, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, तो हमें पेमेंट साइड पे जाना है बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे, बैलेंस कम हुआ तो पेमेंट साइड पे, राइट। यहाँ पे मुझे लिख देना है 20,000, करेक्ट। ये 20,000 क्यों कम हो गए, बिकॉज आई परचेज गुड्स, अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय परचेजेस अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग परचेजेस मेड। नेक्स्ट क्या है, देखो पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक 1,000 रुपीज। कोई भी पेमेंट है तो मेरे क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। अभी ये बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में इसका इफेक्ट होगा। अमाउंट कितनी है 1,000 रुपीज, और किसके वजह से हो रहा है ये पेमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या आएगी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैं यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख देती हूँ 1,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिख दूं बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट नरेशन बीइंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड। ओके, नेक्स्ट कैश सेल्स है 7,000 रुपीज का। देखिए मैं एरो बना रही हूं, 7,000 रुपीज का कैश सेल्स है। नाउ दिस इज वेरी इजी, कैश में कुछ बेचा, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो रिसीट साइड पे मुझे 7,000 लिखना है। रिसीट साइड पे कैश कॉलम में, देखिए ये कैश कॉलम है, मैं रिसीट साइड पे लिख रही हूं 7,000। कहां से आया पैसा, गुड्स बेच के, तो टू सेल्स अकाउंट, यहां पे मैं लिख दूंगी बीइंग गुड्स सोल्ड, करेक्ट। आगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। अगेन व्हेनेवर वी डिपॉजिट अमाउंट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, कैश का बैलेंस कम होगा तो कैश को करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इट इज 10,000 रुपीज। देखिए ये वाली एंट्री आएगी हमारी, तो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहले बैंक के डेबिट साइड पे जाते हैं, मतलब रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज, बैंक कॉलम में 10,000। कहां से आया, कैश है ये, सो टू कैश अकाउंट नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड
कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज कैश का बैलेंस तो कम हो गया ना ये करके, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट मतलब ये कैश कॉलम में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000 रुपीज। क्यों कम हो गया? बिकॉज बैंक में पैसा गया, सो बाय बैंक अकाउंट नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ओके, आगे देखते हैं अभी क्या है। पेड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज 500। कोई भी पेमेंट है कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। सो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड पे मैं 500 रुपीज लिख देती हूँ। देखिए कैश कॉलम में जाऊंगी मैं क्रेडिट साइड पे एंड आई एम राइटिंग 500 रुपीज। दिस इज अ पेमेंट, आई नो दैट। अभी ये पेमेंट क्यों हुआ? जनरल एक्सपेंसेस, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन द 24th। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, करेक्ट, रेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक 6,000 रुपीज। नाउ वी नो दैट अगर क्रॉस चेक होता है तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होता है। अगर ये पैसा मिला है, बैंक में पैसा मिला, तो बैंक को हम करेंगे डेबिट। और ये क्यों मिला है? कमीशन के लिए मिला है, तो एंट्री हमारी क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो बैंक के रिसीट साइड पे चलते हैं, बैंक कॉलम के रिसीट साइड पे हम लिख देंगे 6,000 रुपीज। और ये क्यों मिला है? कमीशन के वजह से, टू कमीशन। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ऑल राइट, लेट अस स्टिक हियर। देखिए जनरली कॉमन मिस्टेक डबल कॉलम कैश बुक में क्या होती है बच्चों? हम कॉलम्स को मिक्सअप कर देते हैं। कैश की अमाउंट बैंक कॉलम में, बैंक की अमाउंट कैश कॉलम में, और हमारे बैलेंसेस ही टैली नहीं हुए। ठीक है, सो प्लीज 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 मेक एन एफर्ट टू चेक आप कौन से कॉलम में कर रहे हो रिकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट इट विल टेक 1 सेकेंड, इसलिए मैं हमेशा ऊपर चेक करती हूँ कैश कॉलम है ना, बैंक कॉलम है ना, ये चेक करो एंड देन राइट द अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेड रेंट 2,000 रुपीज। पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे मैं 2,000 रुपीज कैश के लिख देती हूँ। देखो कैश कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट 2,000 रुपीज। ठीक है, ये क्यों हुआ मेरा पेमेंट? आई हैव पेड रेंट, तो मेरी एंट्री क्या आती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन द 29th। मैं यहां पे लिख दूंगी बाय रेंट अकाउंट नरेशन बीइंग रेंट पेड। ओके, आगे विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,200। कैश बिजनेस से बाहर गया, तो पहले तो मैं कैश कॉलम में 1,200 लिख देती हूँ यहां। ठीक है, कोई भी अगर पेमेंट हो गया जिसके वजह से कैश का बैलेंस कम हो गया, आई हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। अभी क्या है रीजन, क्या है कम होने का? बिकॉज इट हैज बीन विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश विदड्रॉ होता है तो क्या एंट्री होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? तो अभी मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग्स, और आई एम गोइंग टू राइट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखिए बच्चों, मैंने सारे जर्नल एंट्रीज कवर किए हैं, ये सारे बहुत ही डिटेल में मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें गो टू द चैप्टर ऑफ जर्नल एंड चेक आउट ऑल द लेक्चर्स। आपके सारे जो बेसिक्स है जर्नल के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बिलीव मी। सो प्लीज गो एंड चेक आउट, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेजेस पेड 6,000। अगेन पेमेंट है तो मैं पहले तो पेमेंट साइड पे जाती हूँ कैश कॉलम में, और 6,000 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ।
मैंने लिख दिया 6000 बिकॉज कैश का बैलेंस तो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? देखिए यहाँ पे हमने क्या पे किया, वेजेस, तो एंट्री क्या आएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे मुझे अभी जाना है पेमेंट साइड पे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय वेजेस अकाउंट, नरेशन बीइंग वेजेस पेड। राइट, अभी क्या बचा, बस अभी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए रिकॉर्ड, अभी मुझे कैश और बैंक कॉलम्स की टोटल करके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मेरे कैश कॉलम की रिसीट साइड की टोटल आ रही है 42,500। आई नो दैट कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, तो मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस की टोटल दोनों भी साइड पे लिख दी। ठीक है, एंड नाउ आई हैव टू सी व्हाट इज द टोटल ऑफ माय क्रेडिट साइड। 42,500 डेबिट साइड की टोटल है और क्रेडिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 32,700। तो जो बचा दैट इज माय बैलेंस, कितना बच रहा है, 9,800। दिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माय कैश कॉलम, यहां पे मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, वैसे ही अभी बैंक कॉलम की हम टोटल लेते हैं, बैंक में डेबिट साइड की टोटल है 31,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 21,000। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 31,000 लिख देती हूँ पहले, तो रिसीट साइड इज मोर, करेक्ट। कितने से ज्यादा है यहाँ पे देखो, 10,000 रुपीज, तो मेरा बैलेंस यहाँ पे आएगा 10,000। ओके, और अभी अगले महीने की शुरुआत में मुझे लिखना है यहाँ पे April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 9,800। ऑलराइट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि ऐसे आप डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हो। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर्स। बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 हमें दिया गया है, यहाँ पे बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया गया है। ठीक है, मतलब ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हम डबल कॉलम कैश बुक का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए, ऐसे रिसीट्स पेमेंट्स ऐसे आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बुक और इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पहला क्या है ट्रांजैक्शन, पहला हम बैलेंसेस लिखेंगे। कैश इन हैंड है 2000 और बैलेंस ऑफ बैंक है 8,000। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी दिया गया नहीं है स्पेसिफिकली, तो हम अज्यूम करेंगे दैट ये जो बैंक का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिसीट साइड पे बैलेंस 2018 जुलाई 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट क्या है 2000 एंड 8,000। ठीक है, ओके, आगे अभी हमें ट्रांजैक्शंस देखने हैं। फर्स्ट कैश सेल्स 2,300, हमारा कैश बढ़ गया है बैलेंस, तो रिसीट साइड पे मैं पहले कैश कॉलम में 2,300 लिख देती हूँ, कैश कॉलम में 2,300। राइट, ये कैश क्यों आया, सेल्स के वजह से, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स या गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑन द 5th। ठीक है, ऑल राइट, आगे परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक 6,000 रुपीज, अगर पेमेंट बैंक से हुआ है तो बैंक का बैलेंस कम होगा 6,000 रुपीज, तो मैं पहले बैंक के कॉलम में 6,000 रुपीज पेमेंट साइड पे लिख देती हूँ। बैंक के कॉलम में देखिए, बैंक कॉलम है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैं लिख देती हूँ 6,000 रुपीज। अब ये पेमेंट क्यों हुआ, लेट अस सी,
ये पेमेंट हुआ बिकॉज आई हैव परचेज्ड सम गुड्स. परचेजेस की एंट्री क्या आती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो मैं यहां पे लिख दूंगी बाय परचेजेस, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड. ओके, नेक्स्ट कैश सेल्स है कितने का? 10,000. अगर सेल्स किया है तो कैश का बैलेंस बढ़ने वाला है. तो कैश कॉलम में मैं जाती हूँ रिसीट साइड पे और 10,000 पहले तो यहां पे लिख देती हूँ. ऑलराइट, अभी ये क्यों बढ़ा है बैलेंस? कैश सेल्स हुआ है तो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो मैं यहां पे लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड. ऑल राइट, आगे पेड जनरल एक्सपेंसेस 700. कोई भी पेमेंट है तो क्या होगा? क्रेडिट साइड पे मुझे जाना है तो क्रेडिट साइड पे मैं 700 तो पहले लिख देती हूँ. कैश कॉलम में मैं यहां पे लिख देती हूँ 700. अब ये 700 क्यों हो गए एक्सपेंस? बिकॉज आई हैव पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस. तो मैं लिखूंगी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. तो यहां पे मुझे लिखना है पेमेंट साइड पे बाय जनरल एक्सपेंसेस नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस पेड. ऑलराइट, नेक्स्ट सोल गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक. मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ? जो चेक मिला वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया. तो इसीलिए रिसीव साइड पे मुझे पहले 20,000 बैंक कॉलम में लिखना है. बैंक कॉलम में रिसीव साइड पे मैं लिख देती हूँ 20,000. ये 20,000 क्यों आया? लेट्स सी, सोल्ड गुड्स है ना, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो मैं यहां पे अभी लिख दूंगी 15th को टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड. राइट, आगे परचेज्ड मोटर कार एंड पेड बाय चेक 15,000. पेमेंट हो गया चेक से, मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया. तो पहले तो मैं पेमेंट साइड पे 15,000 बैंक में लिख देती हूँ. बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे यहाँ पे हमें लिख देना है 15,000. ओके, ये क्यों हो गया पेमेंट? देखो, परचेज्ड मोटर कार एंड पेड बाय चेक. मोटर कार इज व्हाट? इट इज आर एसेट. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो यहां पे मैं लिख दूंगी 18th को बाय मोटर कार अकाउंट नरेशन बीइंग मोटर कार परचेज्ड. करेक्ट, 15,000. राइट, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज. 10,000 का चेक हमें मिला और हमने वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया. तो बैंक के डेबिट में मुझे 10,000 लिखना है. बैंक में डेबिट साइड पे मैं लिख देती हूँ पहले तो 10,000. ये क्यों मिला मुझे 10,000? अभी हम एंट्री देखते हैं. यहाँ पे चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मृणाल. इजंट इट? मृणाल से पैसा मिला है मुझे, तो मेरी 20th को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मृणाल अकाउंट रेशन बीइंग चेक रिसीव्ड. ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो, कैश सेल्स है 7,000. अगेन आई नो दैट माय कैश बैलेंस विल इंक्रीज, तो कैश अकाउंट में डिपॉजिट्स में मैं जाऊंगी और 7,000 पहले तो लिख दूंगी. रिसीव साइड पे मैंने लिख दिया 7,000.
ये 7000 कहां से आए? लेट अस सी, कैश सेल्स के वजह से आए, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 22nd को हमें लिखना है टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग सेल्स मेड या गुड्स सोल्ड। देखिए जब भी हम कैश बुक बना रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है वेदर इट इज अ रिसीट और अ पेमेंट। इसके वजह से अगर कैश या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पहले जाके वो कॉलम में प्रॉपर अमाउंट लिख लो, और क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, मृणाल्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट 100% अटेंशन। मृणाल का कितने का चेक था? 10,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने क्या एंट्री पास की थी? जब मैंने डिपॉजिट किया मैंने कहा बैंक का अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मृणाल, ये हमने एंट्री कर दी थी पास। अब हमें पता चला दैट बैंक में तो पैसा गया ही नहीं है। वाई? बिकॉज बैंक ने हमें बताया कि बाबा ये चेक तो बाउंस हो गया, तो बैंक ने कोई भी एंट्री हमारे पासबुक में नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने एंट्री की है इसे हमें कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दिया तो नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। रिवर्स कैसे करेंगे? बैंक को डेबिट है तो बैंक को कर दो क्रेडिट बैंक अकाउंट, और मृणाल को क्रेडिट है तो मृणाल को कर देंगे डेबिट, और अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज। कहेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी डिसऑनर होता है कोई भी चेक पहले आप देखो ओरिजिनल एंट्री आपने क्या पास की थी जब वो चेक आपको मिला था, जो एंट्री पास की थी जो फाइनल इफेक्ट था उस एंट्री का बस आप उसे रिवर्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया मृणाल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक कॉलम में हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे और 10,000 लिख देंगे। यहाँ पे ये देखिए बैंक कॉलम है, क्रेडिट साइड पे 10,000 लिख दिया। ये 10,000 क्यों है भाई? बिकॉज मृणाल के अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है बाय मृणाल अकाउंट बीइंग चेक डिसऑनर्ड, अंडरस्टूड? चेक डिसऑनर की कैसे एंट्री कर पास करते, एकदम क्लियरली समझ गया? ओके, आगे पेड रेंट 2,000 रुपीज, कोई भी पेमेंट है पहले जाके आप वो पेमेंट की एंट्री कर दो। तो कैश कॉलम में मैं पेमेंट साइड पे जाके पहले तो 2,000 रुपीज लिख देती हूँ। ऑलराइट, ये पेमेंट क्यों हुआ? लेट अस सी, आई हैव पेड रेंट, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी मैं यहाँ पे ऑन द 28th आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रेंट, नरेशन बीइंग रेंट पेड, ठीक है। पहले जाके आप कैश या बैंक कॉलम में रिसीट या पेमेंट जो भी है पहले वो अमाउंट लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं बचे, एंड देन यू ऑलरेडी नो द जर्नल एंट्रीज, यू हैव थरो विद द जर्नल एंट्रीज, राइट। तो बस आपको वो एंट्री देखना है क्या होगा, और वैसे आपको पर्टिकुलर कॉलम में लिख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, मतलब बैंक का बैलेंस कम हुआ, क्रेडिट साइड पे जाएंगे बैंक अकाउंट में 500 रुपीज तो पहले लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे आ गए बैंक कॉलम में 500 रुपीज लिखना है। देखो बराबर से बैंक कॉलम है ना, है। अभी यहाँ पे एंट्री क्या आएगी हमारी? पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो एंट्री आएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 29th को मैं यहाँ पे लिख दूंगी By telephone expenses, और narration आएगा being telephone expenses paid by check, paid by check, clear? All right, आगे क्या है, last क्या है देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2,000। अगर बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम होने वाला है, तो पहले तो पेमेंट साइड पे जाके बैंक कॉलम में 2,000 रुपीज हम लिख देंगे।
बैंक कॉलम में 2000 रुपीज। ठीक है, ये पैसा कम क्यों हुआ? बिकॉज हमने कुछ विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। याद करिए जर्नल एंट्रीज, जब भी पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या पास होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट? ड्रॉइंग्स को हमें डेबिट करना होगा। तो अभी हम यहां पे जाएंगे ऑन द 31st और यहां पे हम लिख देंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ऑपरेशन बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहां पे डेट लिख देंगे 31st। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ गए सारे ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं। अभी बस वी आर एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें क्या करना है, सब टोटल्स ले रहे हैं कैश और बैंक कॉलम के, एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द बैलेंसेस। तो पहले कैश कॉलम की टोटल ले लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, मेरे कैश कॉलम के रिसीट साइड पे आ रहा है 21,300। एज आई नो दैट कैश कॉलम में रिसीट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर, तो मैंने 21,300 यहां पे लिख दिया। डेबिट बैलेंस इज 21,300। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,700। यहां पे मेरा बैलेंस आ रहा है 18,600। और आई एम गोइंग टू राइट डाउन 18,600 एंड ऑन द 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये बैलेंस जो है ये मुझे अगले महीने में लिखना पड़ेगा यहाँ पे 18,600 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगला महीना इज 1st August। ठीक है, अभी वैसे ही हम बैंक कॉलम की टोटल ले लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की। बैंक में रिसीट साइड की टोटल मेरी आ रही है 38,000 और पेमेंट साइड की टोटल है 33,500। तो बचा कितना? 4,500। ये मुझे लिखना है मेरे बैंक के बैलेंस में। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट 4,500 और टोटल इज 38,000। और अगले साल यहां पे मैं लिखूंगी बैलेंस 4,500। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिंड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।